अब आगे एरावत ने उस उत्तंडी बालक को। अब देखता हूँ इस वानर बालक को, ये बोध है या उत्तंडी। अब वापसी में भी बाधाएं आ रही हैं। ये क्यों नहीं समझ रहे कि मारुति को माँ के पास जाना है? अरे
ना जाने क्या होने वाला है। आकाश में से मारुति लौट भी पाएगा या नहीं, मारुति के बिना कितना उदास उदास सा लग रहा है। अच्छा हुआ आज गुरुकुल में भोजन नहीं बना, मारुति के जाने के बाद मेरी तो सारी भूख प्यास जैसे सब समाप्ति हो गई हो। हाँ मुझे भी आज भूख नहीं लग रही। मुझे भी नहीं। आयुष्मान भगवत, तुम सब यहाँ? गुरुजी, हमारा मित्र मारुति कैसा होगा? केवल तुम सब ही नहीं, महाराज महारानी और समूचा राज्य उदास है मारुति के बिना। कितनी पूजा अर्चना और कठोर तपस्या के फल स्वरूप महारानी को मारुति जैसा अद्वितीय पुत्र प्राप्त हुआ है। यदि हमारे मित्र मारुति को उड़ना नहीं आता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसे कहीं कुछ हो गया तो? ऐसा नहीं कहते पुत्र, शुभ शुभ बोल। शुभ विचार रखने से शुभ संदेश आते हैं। मारुति का अहित होना सरल नहीं है, भगवान शिव की बड़ी कृपा है उन पर। भगवान भोलेनाथ का सदैव वर्धस्त है उन पर। हम मारुति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे, आप सब भी प्रार्थना करें कि वो सकुशल वापस आ जाए। जी गुरुदेव। कल्याण। तो भोलेनाथ का वर्धस्त इस वानर बालक के सिर पर। बल बला बल बल, यह सूचना तो लंकेश के काम की है। बल बला बल बल। अब देखता हूँ ऐरावत से कैसे मुक्त होते हो तुम। ओहो, तुम कुछ अधिक ही चपल हो गजराज। सोखा, अब क्या करूँ? मारुति किसी पशु पर प्रहार नहीं करना चाहता, माने भी मना किया है। यदि मैं स्वयं को छुड़ाने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा तो इतने अच्छे से गजराज की ये सुंदर और लंबी सूंड को क्षति पहुंच सकती है। अब क्या करूं सखा, मारुति ऐसा कदापि नहीं कर सकता। इसके सर पर टकराई तो अब इसकी पकड़ ढीली हो गई। चलो सखा, कुछ क्रीड़ा हो जाए इस मनमोहक गजराज के साथ। क्यों गजराज, कैसा लग रहा है अब? हाँ,
बात सखा। करके रहा ये बालक, इसे रोकना होगा। मुझे तो लगता है देवराज ये एरावत को ही अपने वश में कर लेगा। यदि आपसे आपका वाहन ही छिन गया तो आप हास्य के पात्र बन जाएंगे। मुझे क्यों देख रहे हैं इस तरह? चाहिए अपने एरावत को बचाइए, मुक्त कराइए उसे। राहु ही है अहंकार, सारे जगत का मूल विकार। वैर कराता, भेद कराता, कर्म सभी निषेध कराता। पाप की जड़ मूल है राहु, सत्य मार्ग से तो धूलों पे जा गिरा। गाया राहु बही काली माया, इंद्र शीश पर राहु छाया। साथ मारुति तुम्हें माँ को उपहार में देगा। कहाँ गए तुम? चलो सखा। सखा उसे यहाँ छोड़ना उचित नहीं है। माँ भी कहती है कि पशु निर्भय होते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। किंतु अब तुम ही बताओ मारुति क्या करे? वो कहाँ हो सकता है सखा? इस बालक को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। प्रणाम गुरुदेव। क्या हुआ, कोई विशेष बात? गुरुदेव, बहुत ही अशुभ समाचार आया है सुमेरु से। युवराज मारुति सूर्य देव को आकाश फल समझकर उसे खाने के लिए उड़ गए हैं। सब अनहोनी घटने की आशंका से चिंतित हैं। गुरुदेव, आश्चर्य है, इतनी बड़ी घटना घटित हुई है। सब युवराज की सुरक्षा के लिए चिंतित हैं, किंतु आप? असाधारण घटनाएं असाधारण परिवर्तन के लिए ही होती हैं। मारुति की यह सबसे लंबी उड़ान एक बहुत बड़े परिवर्तन को जन्म देने वाली है। या तो मारुति का अंत होगा या मारुति सदैव के लिए अजय हो जाएगा। ये क्या कह रहे हैं गुरुदेव, युवराज का अंत? हमें मारुति की सुरक्षा के लिए यज्ञ करना होगा, अति शीघ्र व्यवस्था करें। अवश्य गुरुदेव, अवश्य गुरुदेव। ना जाने कहाँ चला गया वो। मारुति ने उसे हर ओर ढूंढ लिया, किंतु वो तो मारुति को मिल ही नहीं रहा है। अब क्या करूं? कितनी देर उसे ढूंढता रहूं? चलो अब हम भी चलते हैं। Oh.
हो तुम गजराज। चलो मित्र, अब चलने का समय आ गया है। पिताश्री भी इसी तरह व्यायाम करते हैं। देवराज इंद्र, आपका एरावत तो गया। एक छोटे से बालक ने आपका एरावत छीन लिया आपसे। वो आपके एरावत के साथ घृणाएं कर रहा है। आपके जग प्रसिद्ध वाहन की ये दशा। सारा संसार आप पर हंसेगा। ये सब देखकर कौन आपको देवराज पद पर स्वीकार करेगा? आपका तो सिंहासन भी छिन जाएगा देवराज इंद्र। और वैसे भी इस बालक के हाथों हास्य का पात्र बनने के पश्चात आप देवराज पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार भी खो चुके हैं। वो बालक निरंतर उद्दंडता किए जा रहा है और फिर भी आप उससे बात करेंगे? इतना सब होने के पश्चात भी आप मातृ से देख रहे हैं कि उद्दंडी बालक है। आप इससे बात मत कीजिए, अस्त्र उठाइए, दंड दीजिए इस बालक को, दंड दीजिए। ए वानर बालक, छोड़ दो एरावत को। उदंडता के लिए क्षमा मांगो। उदंडता? किंतु आप हैं कौन? मुझे नहीं जानता उदंडी बालक, मैं देवों का राजा इंद्र हूँ। किंतु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मारुति ने तो कोई उदंडता नहीं की है आपसे। क्षमा मांगो अपनी उदंडता के लिए, अन्यथा हम तुम्हें दंडित करेंगे। किंतु मारुति ने तो आपके प्रति कोई अपराध नहीं किया है। एक तो इस बालक ने मेरे स्थान पे स्वयं सूर्य को निगलकर महापाप किया, दूसरा ये आपका अनादर भी कर रहा देवराज इंद्र। अच्छा अच्छा, आप इस गजराज के कारण ऐसा कह रहे हैं? ले जाइए ले जाइए, मारुति को तो अपनी माँ के पास जाना है। बिना क्षमा मांगे तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम ऐसे नहीं मानोगे उद्दंडी बालक। ये मेरा सूत्रास्त्र तुम्हें बांध लाएगा यहाँ। Thank you.
क्यों पकड़ना चाहते हैं? मारुति को तो माँ के पास जाना है। अब तो तुम्हें मुझसे क्षमा मांगनी ही होगी वानर बालक। अन्यथा तुम्हें ये सूत्रास्त्र से देखा देवराज, कितना चतुर बालक है ये। अच्छा, लघु रूप भी बना लेते हो तुम, किंतु अब तुम मेरे संघात अस्त्र से नहीं बच पाओगे। मेरा ये मूर्छास्त्र तुम्हें अचेत कर देगा।